हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। बच्चों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। आप लोगों को पता चल भी गई होगी काफ़ी बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास की जितनी भी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। प्रॉपर तरीके से कैंसिल कर दिया है। अब बच्चों को कैसे पास करना है, कैसे नहीं पास करना है, ये सीबीएसई बोर्ड बहुत जल्दी बताएगा। स्कूल वालों को कोई ना कोई प्रोटोकॉल या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो बहुत जल्दी पता चलेंगी कि बच्चे को कैसे पास करना चाहिए, या तो पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट या कुछ ना कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ होगा कि आपको अब बोर्ड का जो प्रॉपर एग्जाम होता है सेंटर पे जाकर देने वाला वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो देश में पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। तो बच्चों, 10th के बच्चों को तो मैं कहूँगा कि वो लोग इससे बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। पर चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर सेफ होंगे। पर बच्चों, अब अगर आपके एग्जाम कैंसिल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल ऐसा ही हो। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, 11th और 12th में आने के बाद जो भी आपको स्ट्रीम मिले उसके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और फोड़ देना आगे के सालों में। अब ये जो एक दो साल निकलेंगे बड़े गंदे निकल रहे हैं, चलो ठीक है, जैसे भी होगा हिल जाएगा। और जो 12th के बच्चे हैं उन लोगों से मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बच्चों, आप लोगों की परीक्षा कैंसिल होना, एग्जाम कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को ना उसके बाद कैरियर डिसाइड करना होता है, स्ट्रीम्स डिसाइड करनी होती है कि आप स्ट्रीम्स तो नहीं, मतलब कि आप लोग किस फील्ड में जाना है, आगे जाके क्या चीज़ करनी है, कॉलेज में जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो कॉलेज चूज करना होता है, उसके लिए 12th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है। तो 12th के एग्जाम कैंसिल तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक डेढ़ महीने इसको और आगे पोस्टपोन कर सकते हैं जैसा कि बोला गया है। और जो भी कुछ होगा वो 1 जून के बाद ही पता चलेगा, यानी कि अभी 1.5 महीने तक आपका कोई एग्जाम नहीं है। पूरी मई आप लोग फ्री हैं, अप्रैल आप लोग फ्री हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठ जाएं। आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं आपको बता दूं, किसी भी टाइम पर नोटिस आ सकता है आपके अगले एग्जाम का, पर बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर हुआ तो मैक्सिमम आपका 15 जून या इट में पॉसिबल आपका जुलाई से एग्जाम हो सकता है, क्योंकि 1 या 2 जून में ये लोग आपको बता देंगे और 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो बच्चों, गेट वेल सून फ्रॉम योर माइंड, कोविड निकालो और पढ़ाई में पूरा दिमाग लगाओ, घर पे रहो, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द लाइफ।